तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आ सकते हैं। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर सीनियर लीडर्स के साथ चर्चा संभव है। अनुराग चड्ढा हमारे साथ हैं। अनुराग, क्या कुछ माना जा रहा है, किस तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है? मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर अभी किस तरीके से जानकारी मिल रही है? देखिए श्वेता, मुख्यमंत्री के कुछ नजदीकी लोगों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये सूचना मुझे दी है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। सुबह 8:30 बजे उनको लखनऊ से चलना है, लेकिन अभी तक आला कमान से जो उनकी बात हुई है उसके बाद उनको हरी झंडी नहीं मिली है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह को दे दिया है, और उसके बाद जैसे ही हरी झंडी मिलेगी रात के करीब 8:30-9 बजे के आसपास, वैसे ही मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है वो दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। दो चीजें तय होनी है, एक तो जो मंत्रिमंडल में किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा विभाग देना है, इसके अलावा जो यूपी की टॉप ब्यूरोक्रेसी है, मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, इन पर किन किन अधिकारी को रखना है, क्योंकि जो कुछ होना है श्वेता सेंटर से तय होना है। जिस तरीके से नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है वो कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, 3 दिन वो लखनऊ रहे, तो उसके बाद इस तरह की अटकलें हैं कि वही तय करेंगे कि जो दिल्ली में डेपुटेशन पर अधिकारी हैं वो लखनऊ जाएंगे। जिस तरह से राजीव कुमार जो कि नृपेंद्र मिश्रा के बहुत खास अधिकारी हैं दिल्ली में, वो कैबिनेट सेक्रेटरी की दौड़ में लगे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ उनको भेजा जा सकता है चीफ सेक्रेटरी बना के। सुबह हमारे जो समाता व्यक्ति हमारे उन्होंने खबर भी दी थी, और उसके बाद अब प्रमुख सचिव गृह कौन होंगे, डीजीपी कौन होंगे, इन सब बातों पर चर्चा प्रधानमंत्री और अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो उससे कुछ देर बाद ये फाइनल हो जाएगा, जैसे ही आला कमान से उनको एजेंडी मिलेगी तुरंत जो उनका कार्यक्रम है वो दिल्ली का होगा। जी चलिए अनुराग, अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।